सुजानपुर टेहरा में बस स्टैंड के पास बने रेडी मार्केट को पक्के दुकान नसीब होने लग पड़े हैं, जिसके चलते प्रशासन ने बकायदा उन्हें वहां से शिफ्ट होने के लिए चौगान में जगह बना दी है। जब तक पक्के खोखे निर्माण कार्य होगा तब तक रेडी मार्केट वाले अपनी दुकानदारी चौगान में कर सकेंगे, ये बात उपमंडलाधिकारी ने कही। वहीं रेडी फड़ी मार्केट के प्रधान अशोक मेहरा ने बताया कि कई वर्षों से खोखा धारक नुमा खोखों के निर्माण के लिए सरकार से मांग करते नजर आ रहे थे ताकि बरसात और सर्दियों के दिनों में बचा जा सके, लेकिन कोई भी सरकार उनकी मांग को पूरा करने में असमर्थ रहती थी। लेकिन अनुराग ठाकुर के प्रयासों के चलते ये कार्य करवाया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया है। ये तो बड़े सालों से हमारी मांग थी, पर राजनीतिक नामे बेवकूफ़ी बनाया आज तक। कई सालों से हमारी मांग थी, ये हमारी विनती सुनी अनुराग जी ने, वित्त राज्य मंत्री जी ने, और उनकी देन है कि हमें ये दुकानें मिल रही हैं। मैं उनका तहे दिल से और एक गरीब आदमी का दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिना पैसे, बिना किसी बजट से ये हमें एक महीने के अंदर दुकानें, हम इसके अंदर बैठेंगे सेक्टर के अंदर, और ये नाली भी बन गई है। अब तो हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। हम फिर धन्यवाद करना चाहते हैं प्रशासन का, पूर्व मुख्य प्रेम कुमार धूमल जी का, जिन्होंने हमें ये काम दिया है।